Hello student, today I am going to teach macroeconomics. So today discuss about macroeconomics topic income method. So there are three topic. The first is product method, second income method and third expenditure method. So first topic is discuss the previous video and second topic is the income method. So income method may which item include for compensation of employee under the wages and salary, payment in kind, employer contribution towards social security scheme and pension on retirement. So this is a part of compensation of employee. So is question not given the compensation of employee, so already is given the wages and salary or payment in kind, so also include in the this item. And next is the operating surplus. So operating surplus means rent and royalty and interest and profit. So profit is not given in the question. So profit is not given in the question. So given the dividend and distribution profit and corporate profit tax and plus mixed income is answer is NDP and FC. So ये है initial income का second जो भी second method जो यहाँ पे है इनकम मेथड की इनकम जो जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है. तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ इम्प्लाई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिस इनकम. तीनों को प्लस करेंगे तो एनडीपी एफसी आ जाएगा. क्या आएगा? एनडीपी एफसी. सो कंपनसेशन ऑफ इम्प्लाई मीन्स ये है कि जो इम्प्लाई को मिलता है, जो भी इनकम होती है इम्प्लाई को, उसको एड करते हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको ऐड किया जाता है प्लस मिक्स इनकम को ऐड करते हैं तो आ जाता है एनडीपी एंड एफसी. तो सबसे पहले अगर कंपनसेशन ऑफ इम्प्लाई दिया हुआ है तब तो हमको ये सब सारी चीजें नहीं लेनी है. बट अगर कंपनसेशन ऑफ इम्प्लाई नहीं दिया हुआ है, उसके यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दी हुई है क्योंकि ये इनकम है और इसको हम ऐड करते हैं. और पेमेंट इन काइंड मींस इनकम के अलावा, सैलरी वेजेस के अलावा जो फैसिलिटी दी जाती है इम्प्लाईज को, दिस इज नोन एज पेमेंट इन काइंड. एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सो दिस इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयर कौन होता है? जो हमको वर्क देता है, जो हमको काम देता है वो होता है एम्प्लॉयर, और जो वर्क करता है वो होता है एम्प्लॉय. तो ये यहाँ पे है, इसको याद रखिए, हमेशा एड होगा ये वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती क्या है कि एग्जांपल फॉर एक प्रोविडेंट फंड होता है जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट के पास रख देती है कि ये मेरा फंड है. सैलरी का कुछ पार्ट होता है जो गवर्नमेंट पास रखा जाता है और इसको लास्ट टाइम में गवर्नमेंट से बाद में लिया जाता है. तो ये भी एक तरीके से इनकम होती है. बट वहां पे उस टाइम वो पैसा कट जाता है पर लास्ट में तो उनको दिया जाता है, इस वजह से इसको ऐड किया जाता है. तो ये होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. उसके बाद है पेंशन ऑन रिटायरमेंट. सो पेंशन ऑन रिटायरमेंट में एक तरीके से इनकम होती है तो इसको भी ऐड किया जाता है. बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो हम ये सब चीजों को ऐड किए करेंगे. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इस ये सारे पॉइंट को. उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहला आता है रेंट एंड रॉयल्टी. कंपनी की अगर कहीं और ब्रांच है, जो भी है, वहां तक रेंट इसको मिल रहा है, रॉयल्टी इसको मिल रही है तो उसको ऐड करते हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको ऐड करते हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको ऐड कर रहा है. बट अगर प्रॉफिट न दिया हो क्वेश्चन में, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसके यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट होता है, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है डिविडेंड. एंड अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, जो कंपनी के पास प्रॉफिट है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट.
तो उसको भी फिर ऐड करते हैं। एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, जिसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी का, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब होता है ये कंपनी का ये टैक्स का पैसा जो कंपनी पे करती है। और ये कौन सा टैक्स का पैसा होता है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से लेस करके देती है। सो दिस इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। एंड नेक्स्ट मिक्स इनकम, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और सबको ऐड करने के बाद हमारा आता है एनडीपी एचएफसी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हुआ है तो ये सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे, सारे आइटम को इग्नोर कर देंगे। और अगर मिस उसके बाद मिस इनकम ऐड करेंगे, एनडीपी एचएफसी आ जाएगा। तो अगर एनडीपी एचएफसी आ गया, एनडीपी एचएफसी, और नेशनल इनकम हमेशा कैलकुलेट जो होता है वो एनएनपी एचएफसी पे होता है, तो हमको पता है कि हमको चेंज कैसे करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। तो डोमेस्टिक नेशनल में आने में हमको क्या करना है, वो हमने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला इनकम मेथड से, तो अगले स्टेप में बताते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व इन द नेशनल इनकम क्वेश्चन इज टॉपिक इन इनकम मेथड। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फॉर क्वेश्चन आर गिवेन, वेजेस इज 10,000, रेंट इज 5,000, इंटरेस्ट इज 400 एंड डिविडेंड इज 3,000, मिक्स इनकम 400 एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 200 एंड एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज 400, कॉर्पोरेट टैक्स इज 400 एंड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 1,000। सो फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज द वेजेस 10,000 एंड वेजेस एंड सोशल एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम 400। सो टोटल इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज 10,400 एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट 5,000 एंड इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 200 एंड कॉर्पोरेट टैक्स 400। सी टोटल इज ऑपरेटिंग सरप्लस इज 9,000 प्लस मिक्स इनकम। सो मिक्स इनकम इज ऑलरेडी गिवन 400, सो टोटल इज 19,800। 10,400 प्लस 9,000 प्लस 400, सो एड प्लस NFIA, सो आंसर इज एनएनपी एट एफसी। सो एनएनपी एट एफसी इज 20,800, बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन इनकम मेथड बाय एनडीपी एट एफसी 19,800, बट कैलकुलेट द नेशनल इनकम, सो एड द NFIA, तो NFIA इज 1,000 एंड आंसर इज 20,800। सो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि इनकम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनकम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है इनकम मेथड की, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि वेजेस दिया हुआ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, मिक्स इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है एंड इम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, कॉर्पोरेट टैक्स है और NFIA। तो सबसे पहले हमने बताया हुआ था कि इनकम मेथड में सबसे पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे दिया हुआ है वेजेस। क्या दिया हुआ है? वेजेस, ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और वेजेस के अलावा दिया हुआ है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये हमारा जो टोटल हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 10,400। उसके बाद हमने बताया था कि ये प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस,
क्या प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो उसके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके अंडर में बताया था कि रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, और अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। ये किसके अंदर आता है, ये आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। तो सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 9000। उसके बाद हमने बताया था कि मिक्स इनकम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मिक्स इनकम डायरेक्ट दी गई रहेगी, तो मिक्स इनकम को हमने ऐड कर दिया। मिक्स इनकम हमारे दिया हुआ है 400, सबको हमने टोटल कर दिया तो आया 19800। अब इनकम मेथड जो निकलता है वो एनडीपी एंड एफसी तक ही निकलता है, हमने बताया था क्वेश्चन में, बट हमको नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी एंड एफसी भी जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ये एनडीपी एफसी है ये इनकम मेथड तक है, पर जब हम एनएनपी एंड एफसी जाएंगे, एनएनपी एंड एफसी में तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA को ऐड कर देंगे तब हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। वही हमने यहाँ पे भी हमने NFIA हमारा 1000 था, हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 20800। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था भाई इनकम मेथड का जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।